यवतमाल जिले के शहर में शनिवार को आम्ही दिग्रसकर संगठन की ओर से नगरपालिका द्वारा कथित रूप से बढ़ाए गए टैक्स के विरोध में मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में नगरपालिका मुख्याधिकारी हटाओ दिग्रस बचाओ के नारे लगाए गए। तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर मोर्चे में शामिल विभिन्न दलों के और संगठनों के पदाधिकारियों ने अपना रोष व्यक्त किया। दिग्रस शहर में शनिवार को आम्ही दिग्रसकर संगठन की ओर से मुख्याधिकारी नगर पालिका के खिलाफ मोर्चा निकाला गया। मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी के विरोध में नारे लगाते हुए यह मोर्चा तहसील कार्यालय पहुंचा, जहां तहसीलदार प्रवीण धानोरकर और पुलिस निरीक्षक सेवानंद वानखेड़े की मौजूदगी में प्रभारी तहसीलदार सुधाकर राठौड़ को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इस मोर्चे में महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे। इस दौरान मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी को हटाओ दिग्रस बचाओ के नारे लगाए गए। नगरपालिका द्वारा कथित रूप से बढ़ाए गए टैक्स को लेकर यह मोर्चा निकाला गया था। नगरपालिका प्रशासन मनमाने तरीके से टैक्स वसूल रहा है, ऐसा आरोप करते हुए मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी की कथित हठधर्मिता पर सवाल खड़े किए गए। हाल ही में महाविकास आघाड़ी और आम्ही दिग्रसकर संगठन ने 13 मार्च से कमान गेट के हुतात्मा चौक में आमरण अनशन यानी बेमियादी अनशन शुरू किया। इस अनशन में शामिल कई अनशनकारी अनशन के चलते फिलहाल स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं से गुजर रहे हैं, वे बीमार हैं और उन पर अस्पताल में उपचार जारी है। पन्नास वर्षामध्ये कधी एवढी भरमसाठ वाढ झालेली नाही। भारत चौक में जो उपोषण चल रहा है, हमारे पांच सक्रिय सदस्यों का आम्ही दिग्रस करके उन्हें विजिट देने आए, उनकी बातें सुनी, उन्हें आश्वस्त किया, उन्हें आश्वासन दिया, उनकी बातों पर विचार करने का उन्हें वादा किया। लेकिन मैं नगर परिषद दिग्रस का निषेध करता हूं। हमारे तानाशाह मुख्य अधिकारी, हमारे हिटलर मुख्य अधिकारी, हमारे हठधर्म अधिकारी, ये तो खुद वहां पहुंची नहीं, जबकि सभागृह में वो हमारे अधीनस्थ अधिकारी है, जिसे हम सचिव कहते हैं, वो हमारी पीए है। उनका काम था हमारे नगर सेवक, माजी नगर सेवक, माजी लोक प्रतिनिधि के पास आकर उनकी अपनी मांगी सुन लेनी चाहिए थी। उसके बाद में जो भी कायदेशीर कार्रवाई हो, करो ना करो ये अलग मामला, वो वहां पहुंची नहीं। और उनकी दादागिरी और उनकी हुक्मशाही ये देखिए कि नगर परिषद के जानिब से लोक प्रतिनिधि मंडल, हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी आना भी चाहते थे, लेकिन उनकी दड़पशाही, उनकी दहशतगर्दी इतनी है कि वो हमारे उस अवकोषण के रास्ते से भी नहीं गुजरे। ऐसा नहीं है कि इन अनशनकारियों और मोर्चे में शामिल लोगों की टैक्स को लेकर उठाई गई मांगे निरर्थक है, उनकी मांगे बेहद स्वाभाविक है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जनता के हित के लिए शुरू की गई इस पहल में जनता का सहभाग निराशाजनक है। आज भी इस मोर्चे में शहर की जनता कोसों दूर नजर आई। क्या जनता इस बढ़े हुए टैक्स को लेकर गंभीर नहीं है? ऐसा सवाल अब उठ रहा है, क्योंकि जनता नहीं मोर्चे में नजर आ रही है और नहीं टैक्स कम कराने को लेकर आपत्ति या आक्षेप के प्रावधान पर ध्यान दे रही है। ऐसे में जनता के लिए जी जान से प्रयास कर रहे अनशनकारियों को ही जनता खुलकर समर्थन देती नजर नहीं आ रही। एक तरफ जहां मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी को हटाने की मांग उठाई तो जा रही है, लेकिन अचरज इस बात का है कि संभावित आचार संहिता के चलते यह मांग भी बेअसर नजर आ रही है। नगर पालिका प्रशासन को चाहिए कि वे टैक्स धारकों में टैक्स को लेकर उपज रही उलझनों, संभ्रम, दुविधा को दूर करने और उनमें फैली निराशा को खत्म करने के लिए प्रयास करें, ताकि टैक्स को लेकर लोगों की समस्याओं का निपटारा आसानी से हो सके। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।